सो गाइज हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों आपने गूगल फॉर्म्स के बारे में तो सुना होगा, खासकर ये कोरोना पेंडेमिक में जब से वेबिनार स्टार्ट हुए हैं तब से उन सभी वेबिनार्स का रजिस्ट्रेशन इन गूगल फॉर्म्स पे ही होता है। यहाँ तक कि अगर आपको कोई ऑनलाइन सर्वे कराना होता है तो वो भी गूगल फॉर्म्स के थ्रू किया जाता है, और कोई बहुत सारे क्विज भी गूगल फॉर्म्स के थ्रू किए जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ फीडबैक फॉर्म्स भी इन्हीं गूगल फॉर्म्स के थ्रू ही भरे जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना खुद का गूगल फॉर्म बना सकते हैं और उसे अपने हिसाब से जो भी काम है आपको उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि गूगल फॉर्म्स बनाने के लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियदर्श है, आप देख रहे हैं टेक्नोस चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों अगर आपको अपना खुद का गूगल फॉर्म बनाना है तो उसके लिए आपको अपने ब्राउजर में जाना है, वहां पे आपको google.co.in में टाइप करना है गूगल फॉर्म्स और सर्च करना है। गूगल फॉर्म टाइप करते ही आपके पास एक कई सारे लिंक्स का ऑप्शन आ जाएंगे, जहाँ पे आपको जो पहला लिंक है गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वेस फॉर पर्सनल यूज, आपने उस लिंक को क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं गूगल फॉर्म्स का ये पेज खुल गया है, जहाँ पे आप पर्सनल यूज़ के लिए साथ ही साथ बिजनेस यूज़ के लिए आप गूगल फॉर्म्स बना सकते हैं। हम पर्सनल यूज़ के लिए गूगल फॉर्म बनाएंगे तो आपको गो टू गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करना है और आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं ये हमारे सामने मेन पेज खुल गया है जहाँ से हम गूगल फॉर्म बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन किए हुए हो। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है, उसके बिना गूगल फॉर्म आप नहीं बना पाएंगे। दोस्तों गूगल फॉर्म बनाने के लिए आपके पास यहाँ पर कई ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि आप खुद से कस्टम बना सकते हैं, यहाँ तक कि आपके पास पहले से कई से थीम ऐसे बने बनाए हैं जिसे आप चूज़ करके बना सकते हैं अपना फॉर्म, जैसे कि इवेंट रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर स्टोर करना है, किसी पर्टिकुलर साइट टी शर्ट के लिए साइन अप है या पार्टी इनवाइट बनाना है, लेकिन हम यहाँ पे कस्टम फॉर्म बनाएंगे और अपने हिसाब से उसे एडिट करेंगे। तो आपने ब्लैंक पे क्लिक करना है और आपके सामने मेन पेज खुल जाएगा। दोस्तों जैसा कि हमारा मेन फॉर्म बनाने का पेज खुल गया है, और अब हम यहाँ पे उस फॉर्म की हेडिंग देंगे कि आखिरकार फॉर्म किस लिए फिलअप कराया जा रहा है। तो जैसा कि हम यहाँ पे वेबिनार रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर एग्जांपल फॉर्म बना रहे हैं, तो यहाँ पे हेडिंग हमारी रहेगी वेबिनार रजिस्ट्रेशन। अगर आप किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए कर रहे हैं तो उस इवेंट का नाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे कि हम वेबिनार रजिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं तो वेबिनार रजिस्ट्रेशन हमारी हेडिंग होगी। दोस्तों साइड में आपको ये प्लस का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप ऐड क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन का सेट तैयार है तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं वीडियो ऐड कर सकते हैं, या फिर इमेज ऐड कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन ऐड करते हैं। वेबिनार रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा नेम, कि आपका नाम क्या है, और उसके साथ साथ आंसर के लिए आप कई सारे चॉइसेस चुन सकते हैं कस्टमली। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेकबॉक्स या बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसमें एक ऑटोमेटिक फीचर ये भी है कि आप जैसे नेम ऐड करेंगे तो शॉर्ट आंसर सेलेक्ट कर लेगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो आदमी फॉर्म भर रहा है वो अपना नाम ज़रूर से डाले, तो आप यहाँ पर रिक्वायर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, तो ऐसा होगा कि जब भी वो आदमी फॉर्म भरेगा अगर उसने नेम नहीं भरा होगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन ऐड करते हैं, जैसा कि ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी जैसे ही हम इसमें टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा आंसर का टाइप, यानी कि शॉर्ट आंसर टेक्स्ट। और आप इसे भी चाहते हैं कि जो आदमी फॉर्म भर रहा है वो अपना ईमेल आईडी ज़रूरी से दे, तो आप इसे यहाँ पे रिक्वायर्ड में ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन हम चलिए सेलेक्ट करते हैं, जो है जेंडर। जैसे आप जेंडर टाइप करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑप्शन मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट कर लेगा, और आपको यहाँ पे चॉइसेस ऐड करनी होंगी, जैसे कि मेल, फीमेल, अदर। तो जैसे कि मैंने ऑप्शन वन में डाल दिया मेल, फिर दूसरा ऑप्शन में मैंने डाल दिया फीमेल, और तीसरे ऑप्शन में मैंने डाल दिया अदर। और जैसा कि आप पिछले क्वेश्चन की तरह हमने इसे भी रिक्वायर्ड किया था, यानी मैंडेटरी किया था, तो आप इसे भी मैंडेटरी कर सकते हैं। जैसे ही आप मैंडेटरी करेंगे तो यहाँ पे ये स्टार बन के आ जाएगा, और
यूज़र को वो फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन भरना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि उसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम चलिए हम ऐड कर लेते हैं, जो कि है आधार कार्ड नंबर। तो दोस्तों आधार कार्ड नंबर में दो चीज़ें आप कर सकते हैं कि या तो डायरेक्ट नंबर ऐड करा दें जैसे कि शॉर्ट आंसर टेक्स्ट में, या फिर अगर आपको उसकी एक फ़ोटोकॉपी ऐड करानी है तो आप यहाँ पे फाइल अपलोड का रिस्पांस सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि यूज़र अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी अपलोड करे। अब बात करते हैं यहाँ पे रिस्पांसेस की। फॉर्म भरने के बाद जैसे यहाँ पे रिस्पांसेस जीरो रिस्पांसेस दिखा रहा है, तो जैसे जैसे लोग फॉर्म भरते जाएंगे वैसे वैसे वो रिस्पांसेस की नंबर बढ़ती जाएगी। दोस्तों अब आप सेटिंग्स में जाके फॉर्म्स के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसा कि लिमिट टू वन रिस्पांस, यानी कि आप यूज़र से उसकी ईमेल आईडी, मतलब कि वो गूगल से पहले साइन इन करें फिर फॉर्म भरें, या फिर अगर आप क्विज़ बना रहे हैं तो क्विज़ के लिए आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ कि आंसर कब दिखाने हैं यूज़र को, वो सभी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब बात रही कि इसमें अगर आपको कुछ थीम ऐड करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, या तो थीम कलर चुन सकते हैं या फिर आप हेडर के लिए एक इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चूज़ इमेज पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, और हम जैसे कि वेबिनार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो हम वर्क एंड स्कूल का कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से उसमें से कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसी हिसाब से वो फॉर्म की थीम को बना देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इमेज अपलोड होते ही फॉर्म की पूरी थीम वेबिनार रजिस्ट्रेशन के हिसाब से बन गई है। दोस्तों गूगल फॉर्म की एक खास बात यह है कि आपको जो भी रिस्पॉन्सेज आएंगे इस फॉर्म के थ्रू, आपको उसे स्प्रेडशीट में अलग से स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस रिस्पॉन्स में ग्रीन आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको एक गूगल की एक स्प्रेडशीट क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा, जहां पे जैसे जैसे लोग फॉर्म भरते जाएंगे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उस स्प्रेडशीट में स्टोर होती जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने टाइम स्टैम्प यानी कब उसने फॉर्म भरा, नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, आधार कार्ड, उसी हिसाब से ये स्टोर होता जाएगा। दोस्तों अब आपका फॉर्म बन के तैयार है। अब आपको अगर इसे किसी को भेजना है तो सेटिंग्स के बगल में सेंड का ऑप्शन था और आप उसे मेल के थ्रू, लिंक के थ्रू शेयर कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जब भी कोई फॉर्म भरता है तो वो रिस्पॉन्सेज किस तरह स्टोर होते हैं, स्प्रेडशीट में किस तरह आते हैं। जैसे कि मैंने खुद को इस फॉर्म को भरने के लिए मेल भेजा था, तो मैं इसे फिल आउट फॉर्म पर क्लिक करूँगा और मेरे सामने वो जो फॉर्म का फिल करने का पेज है वो खुल जाएगा। यहाँ पे मैं अपना नाम, ईमेल आईडी, जैसा जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड मांगा गया है इस फॉर्म में वो चीज़ें मैं भर दूंगा और उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो मेरे पास ये पेज खुल के आ जाएगा जहाँ पे लिखा होगा कि आपका रिस्पांस रिकॉर्ड हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो रिस्पांस कहाँ पे स्टोर हुआ है। जैसे आप रिस्पांस वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वन रिस्पांस दिखा रहा है। अब मैं आपको स्प्रेडशीट में दिखाता हूँ कि वो किस तरह से स्टोर हुआ है, और साथ ही साथ उससे पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि जैसे कि जहाँ पे मल्टीपल चॉइस आंसर रहते हैं तो वहाँ पे आपको एक ग्राफ के थ्रू भी समझाएगा कि किसने क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया था। जैसे कि आप स्प्रेडशीट में देख सकते हैं यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग स्टोर करते जाएंगे, कितने बजे उस आदमी ने फॉर्म भरा और सारी उसकी डिटेल स्टोर होती जाएंगी। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।